सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुरूर या खामोशी, कुछ तो तोड़ना होगा। आलस या मंजिल, कुछ तो खोना होगा। अफसोस या ख्वाब, कुछ तो पिरोना होगा। रोना या सुकल, कुछ तो छोड़ना होगा। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आज का पंचांग 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि, रात्रि 9:21 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 11:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:06 से 3:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 6:06 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार, किसी रिश्ते का अंत आपके जीवन में भावनात्मक घबराहट पैदा कर सकता है। अकेला रहना मुश्किल तो है, किंतु यह आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आत्मनिरीक्षण का यह चरण आपके लंबी अवधि तक मदद करेगा, जिससे आपको धोखाधड़ी और छल से मुक्ति मिल सकती है। अब समय आ गया है अपनी लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करने का। यह समय कार्य करने, दूसरों के कल्याण और अपनी आदतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी अच्छा है। आपकी मनोदशा स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। छोटे छोटे मुद्दों के लिए चिंतित ना होकर चीजों को बेहतर बनाने और सुधारने पर काम करें। ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि वृश्चिक राशि वालों को आज व्यापार के किसी काम की वजह से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। छोटी दूरी की व्यवसायिक यात्राएं लाभदायक रहेगी। काम धंधे के समय व्यापार में दिन भर किसी न किसी काम को लेकर भागदौड़ रहेगी और मेहनत का फल भी मिलेगा। मीडिया एवं कम्युनिकेशन से जुड़े जातक अधिक मेहनत एवं प्रयास करते हुए देखे जा सकते हैं। मार्केटिंग व सेल्स से जुड़े जातकों को आज किसी बड़े ऑर्डर को प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातक आज अधिकारियों से जरूरी बातचीत करेंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगी। काफी दिनों बाद विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा महसूस होगा। संतान पक्ष अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। संध्याकाल का समय प्रियदर्शन हास्य विनोद में व्यतीत होगा, जिससे आपके दिमाग को भी रिलैक्स मिलेगा। सावधानियां, आपको किसी को भी सलाह देने से बचना होगा, नहीं तो वह आपके लिए भारी पड़ सकती है। आप जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य के लिए धन संचय पर भी विचार कर सकती हैं। आपको अपने कुछ अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी होगी, नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। सितारों के अनुसार आपके जीवन में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रिश्ते की संभावना है, जिससे आपकी लव लाइफ और भी रहस्यमय और रोमांचक हो जाएगी। याद रखें, आपका प्रेमी केवल आपसे समय और ध्यान की उम्मीद करता है। अपनी कोशिशों से आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। अपने कूटनीतिज्ञ कौशल को दूसरे लोगों के सामने पेश करने का समय आ चुका है। आपका चार्म आज आपको आपके लव से मिला सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्यूटी आज आपको प्रभावित करने की कोशिश करे। नम्रता से बात करें और कुछ ही दिनों में आपका संबंध नई ऊंचाइयों को छुएगा। बात करते हैं करियर की। किसी खास के अलगाव से आज आपका दिन निराशा भरा हो सकता है, किंतु आप जल्द ही इस परिस्थिति से उभर जाएंगे।
विदेशियों से मुलाकात और व्यापार आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं। फालतू व्यय या सामान की खरीद से आज बचें। आने वाला समय आपके लिए बेहद सुगम है। यह समय काम पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त है। इस बात का ध्यान रखें कि आज आप खुद का और अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखें। छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना छोड़ें और कुछ बड़ा करें। बात करते हैं सेहत की। इस राशि के लोगों को सर्वाइकल संबंधित दर्द की शिकायत हो सकती है। भुजंग आसन करना लाभकारी होगा। आज का उपाय, गरीबों को आज चने का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।